Now today we discuss about star delta conversion. Now star delta conversion में पहले हमें क्या करना है, star draw करना है, then delta draw करना है. ठीक है, star से delta में convert करना है. Okay. Now here we write down star. तो पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर star बनाएंगे. हम इसको R1 दे देते हैं इनके नाम, ये R2 और ये R3. नाउ ये हमने स्टार बना लिया. अब हम इसको जो कन्वर्ट करना है स्टार से डेल्टा में, नाउ हम इसके ऊपर डेल्टा बनाएंगे. ठीक है, दिस इज डेल्टा. नाउ इसको मार्क करेंगे आर ए, आर बी और आर सी. ठीक है, इसको हम पॉइंट भी दे सकते हैं कि दिस इज वन, दिस पॉइंट विल बी टू एंड दिस पॉइंट विल थ्री. नाउ गिवन इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है. गिवन इन्होंने दिया है R1, R2 and then R3. हमें जो फाइंड करना है देयर विल बी ए आर ए, आर बी एंड आर सी. ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, नाउ सबसे पहले फाइंड करना है हमें आर ए. आर ए फाइंड आउट करने के लिए हमें कैसे हम फाइंड करेंगे, लेट सी. सपोज दिस इज आर ए, ओके. नाउ हेयर इज आर ए, तो आर ए जो है आपका पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इन दोनों से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ और यहाँ इन दोनों से ये कनेक्टेड है. तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नॉर्मली आर वन प्लस आर टू. ओके, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आर वन आर टू, और इसको जो है डिवाइड करेंगे हम, जो हम फाइंड कर रहे हैं उसकी अपोजिट आर्म से, दैट इज आर थ्री. इसके अपोजिट वाले आर्म आर थ्री से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आर ए फाइंड हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही हम आर बी करते हैं. आर बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आर बी फाइंड करने के लिए हमें ये जो है किसके साथ कनेक्टेड है, टू और थ्री, मतलब हमारी इस और इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है. तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे R2 और R3, और यहाँ पर इन दोनों का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट R2 R3 का. जो फाइंड करनी है RB उसके अपोजिट वाली हम रेजिस्टेंस लेंगे, दैट इज R1, उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. नाउ फर्दर RC, RC फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है. इसके साथ जो है रेजिस्टेंस दैट विल बी आर थ्री एंड आर वन. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर वन प्लस आर थ्री, और इन दोनों का क्या ले लेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट. और आर सी, आर सी के अपोजिट वाली जो है दैट इज आर टू, तो आर टू से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे आर ए, आर बी एंड आर सी. तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्मूलेज कि हम लोग इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. ना हम इसको एक एग्जांपल से भी क्लियर कर सकते हैं. ना यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज दिस इज स्टार, ठीक है, दिस इज स्टार. इसमें जो वैल्यूज हैं दैट विल बी ओके, यहाँ
पे जो आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है आरए आरबी और आरसी, आरए आरबी आरसी की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो स्टार हम लोग स्टार से डेल्टा में जो कन्वर्ट करेंगे, हाउ वी कन्वर्ट. नाउ फर्स्टली आरए, दिस इज आरए, आरए विल बी कनेक्टेड 5 and 2 ohm. तो हम लोग 5 add 2. अभी हमने इसके फॉर्मूलेज पढ़े थे, नाउ वी इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में. तो 5 और 2 को ऐड किया, उसके बाद हमें न्यूमिनेटर में क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और नीचे अपोजिट आर्म से डिवाइड करना है, जो कि हमारे पास 4 है. तो हम इसको ऐड करेंगे, (38/4 ohm). ये आपकी आरए का वैल्यू आ गया, ठीक है. नाउ आरबी, आरबी निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है. 4 + 2 + 4 × 2 और अपोजिट आर्म से इसको डिवाइड कर देना है. तो जब हम इसको करेंगे, 5 और 4 और 2 6, 4 × 2 = 8/5. ओके, 38/5 ohm. तो ये जो निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 38/5. नाउ अब जो हमें निकालना है वो निकालना है आर सी. तो आर सी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 और 5 का हम क्या करेंगे, 4 addition 5 + 4 × 5 और इन दोनों की अपोजिट इज 2. 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे. (5 × 20/2 = 10) दैट विल बी इक्वल्स टू 19 ohm. तो हमें आर ए आर बी और आर सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हमने. दैट विल बी आर ए का वैल्यू 38/4 ohm, आर बी का वैल्यू 38/5 एंड आर सी का वैल्यू इज 19. ठीक है, ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे आर ए आर बी आर सी, ऐसे हम इसको स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करेंगे. सो प्लीज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर.